ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नष्ट प्रायेषु भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवते नित्यं भागवत सेवया उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। तेरहवें हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा श्लोक हरे से कृष्णा धन्यवाद बाबा। आगे बढ़ते हैं। अब हिरण्यकश्यपु क्या कहता है? इतिते भर्तृ निर्देशम आदाय शिरसा आदृता तथा प्रजानाम कदनम विदधु कदन प्रिया। मेरे साथ पढ़िए। इतिते भर्तृ निर्देशम इतते भर्तृ निर्देशम 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 आदाय शिरसा आदृता आदाय तथा सुपाद्यताः प्रजानाम कदनम तथा प्रजानां कदनम विदधुः कदन प्रियाः। विदधुः कदन प्रियाः। इति इस प्रकार से ते वे भर्तृ स्वामी निर्देशम आज्ञा आदाय प्राप्त कर शिरसा सिर के बल आदरता आदर करते हुए तथा और प्रजानाम सारे नागरिकों का कदनम दंड विदधु दिया कदन प्रिया अन्य को दंड देने में पटु। मेरे साथ पढ़े। इस तरह जघन्य कर्मों के इच्छुक इस तरह इस जघन्य जघन्य कर्मों कर्मों के के इच्छुक इच्छुक असुरों ने असुरों हिरण्यकश्यपु ने की आज्ञा को हिरण्यकशिपु की आज्ञा को अत्यंत आदर पूर्वक लिया अत्यंत आदर अत्यंत पूर्वक आदर लिया पूर्वक लिया और उसे और नमस्कार उसे नमस्कार किया। किया। उसके निर्देशानुसार उसके निर्देशानुसार वे सारे जीवों के विरुद्ध वे वे सारे सारे जीवों के विरुद्ध ईर्ष्यापूर्ण कार्यकलाप में जुट गए। ईर्ष्यापूर्ण ईर्ष्यापूर्ण कार्य कार्यकलाप कलाप में में जुट जुट गए। गए। हाँ, हिरण्यकश्यपु ने जब अपने भाई के सुख में बहुत गुस्सा था और उसको लगा कि हालांकि विष्णु किसी का पक्ष नहीं लेते पर इस बार उन्होंने ले लिया, अब मैं उनका करता हूं कुछ, और सब असुरों को बुला करके बोला कि तुम ब्राह्मण संस्कृति को खत्म करो बिल्कुल ताकि उपद्रव हो जाए कैश हो जाए सोसाइटी में। ये सब उनके निर्देशानुसार कार्यकाल में जुट गए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शीला प्रपात के द्वारा शीला प्रपात की जय। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, आसुरी सिद्धांतों के अनुयायी सामान्य जनों के प्रति नितांत ईर्ष्या से भरे रहते हैं। आजकल की वैज्ञानिक प्रगति इस ईर्ष्या का जीता जागता उदाहरण है। नाभिकीय ऊर्जा की खोज जनता के लिए विपत्तिजनक रही है, क्योंकि संसार भर में असुरगण नाभि के हथियार बना रहे हैं। इस प्रसंग में कदन प्रिया शब्द अत्यंत सार्थक है। असुरगण जो वैदिक सृष्टि संस्कृति को विनष्ट कर देना चाहते हैं, वे निर्भर नागरिकों से अत्यधिक ईर्ष्या करते हैं और ऐसा कार्य करते हैं कि इनकी खोजे अंतोतो गत्वा हर एक के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो, जगतो हो अहिता। भगवद गीता के 16वें अध्याय में वे भली भांति बताया गया है कि असुगण सामान्य जनों के विनाश हेतु किस प्रकार पाप कर्मों में रत रहते हैं। हरे कृष्ण ये हरे धन्यवाद। ऐसा कार्य करते हैं जिनकी खोजें उनकी खोजें अंततोगत्वा हर एक के लिए अकल्याणकारक सिद्ध हो। ये प्रभुपाद कह रहे हैं। ये जो हमारे सारे वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, ये वो वैज्ञानिक जिन्होंने नाभिकीय खोज की है, न्यूक्लियर वेपन डेवलप किए हैं। ये न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना, ये आप सोचिए, ये सिर्फ विनाश के लिए। न्यूक्लियर वेपन का किसी अच्छे काम के लिए यूज नहीं हो सकता।
न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल हो सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी बहुत अच्छी है, लंबी चलती है और कोई पोल्यूशन नहीं है उसमें। ये बहुत सारे कंट्रीज में न्यूक्लियर, जैसे फ्रांस है, न्यूक्लियर एनर्जी पर उनका मेरे ख्याल से 50% से ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी से उनका जो एनर्जी है न्यूक्लियर एनर्जी से प्राप्त होती है, वो अच्छा है। लेकिन इसका अगर वेपन के लिए यूज किया जाए न्यूक्लियर एनर्जी को, उस वैज्ञानिक को आप क्या कहेंगे? प्रभुपाद कहते हैं वो असुर है, असुर है, विनाशकारी है। ऐसी खोज करना जिससे जनता का हित न होता हो। पुरु ग्राम वज्र उद्यान, क्षेत्र आराम आश्रम आकरान, खेत खरवट घोषांचा दधबुहु पत्तनानि च। मेरे साथ, पुरुग्राम वज्र उद्यान, क्षेत्र आराम आश्रम आकरान, खेत क्षेत्र खरवट घोषांचा खेत दधुः पत्तनानि च। शब्दार्थ पत्तनानि है पुर नगर या तथा कस्बे, पुरुग्राम ग्राम गांव, वज्र चारागाह है, उद्यान बगीचे, क्षेत्र खेत, आराम प्राकृतिक जंगल, आश्रम संत जनों की कुटिया, आकरान खाने जिनसे ब्राह्मण संस्कृति को बनाए रखने के लिए मूल्यवान धातुएं निकलती हैं, खेट गांव खरवट पहाड़ी गांव, घोषान ग्वालों के छोटे छोटे गांव, वाह, चा तथा ददभु जला दिया पत्नानी राजधानी को, च भी असुरों को उसने कहा था ऐसा करने के लिए, वो यही कर रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। असुरों ने नगरों, असुरों असुरों ने ने नगरों, नगरों गांव 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 चारागाहों चारागाहों उद्यानों उद्यानों खेतों खेतों तथा जंगलों में आग लगा दी। तथा जंगलों में आग लगा दी। उन्होंने साधु पुरुषों के घरों, उन्होंने उन्होंने साधु साधु पुरुषों पुरुषों के घरों के घरों मूल्यवान धातु उत्पन्न करने वाली, मूल्यवान मूल्यवान धातु धातु उत्पन्न उत्पन्न करने करने वाली, वाली महत्वपूर्ण खानों, कृषकों महत्वपूर्ण खानों के आवासों, पर्वतीय कृषकों के आवासों ग्रामों, पर्वतीय ग्रामों अहिरों की बस्तियों को जला दिया, अहिरों को बस्तियों को जला दिया। उन्होंने सरकारी राजधानियां भी जला दी, उन्होंने सरकारी तात्पर्य राजधानियां माता जी। जला दी। हरे कृष्णा शकुंतला पवार माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए माता जी शकुंतला को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। उद्यान उन स्थानों के हेतु प्रयुक्त किया जाता है जहाँ फल तथा फूल उत्पन्न करने हेतु वृक्ष उगाए जाते हैं, जो मानव सभ्यता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9.26 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अस्मामि प्रयत आत्मनः। यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति पूर्वक एक पत्ती फूल तथा फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। फल तथा फूल श्री भगवान को अत्यंत प्रिय है। यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करना चाहता है तो वह केवल फल तथा फूल अर्पित कर सकता है और श्री भगवान उन्हें ग्रहण करके प्रसन्न हो जाते हैं। हमारा एकमात्र कर्तव्य है एक परम
भगवान को प्रसन्न करना, संसिद्धि हरि तोषणम। हम जो कुछ भी करें, हमारा व्यवसाय चाहे कुछ भी हो, हमारा मुख्य लक्ष्य परमेश्वर को प्रसन्न करना या तुष्ट करना होना चाहिए। इस श्लोक में वर्णित समस्त सामग्री विशेष रूप से श्री भगवान की तुष्टि के निमित्त है, अन्य किसी की इंद्रिय तृप्ति हेतु नहीं, सरकार का ही नहीं अपितु संपूर्ण मिनी समाज रोड का का कटिया गठन पाल से आ गए हैं, पाल से आ गए हैं। ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट करने की शिक्षा दी जा सके, किंतु दुर्भाग्यवश इस युग में नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, लोग यह नहीं जानते कि मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान श्री विष्णु को तुष्ट करना है। इसके विपरीत वे असुरों की तरह केवल भगवान श्री विष्णु को मारने की योजना बनाते हैं और इंद्रिय तृप्ति द्वारा सुखी बनना चाहते हैं। हरे ये कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता बहुत जी। अच्छा लिखा प्रभुपाद ने। जीवन का लक्ष्य, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है वेदों के हिसाब से भगवान को तुष्ट करना, यानी कृष्ण भावना व्रत, कृष्ण भावना भावित होना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। और हम क्या करते हैं, भगवान को तुष्ट नहीं, हम अपने इंद्रियों को तुष्ट करते हैं, गोदास है हम। भगवान गोस्वामी है, भगवान ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी, और हम इंद्रियों के दास हैं, गोदास। केचित् खनित्रय विविधुः सेतु प्राकार गोपुराण आजीव्यान चित सिद्धु वृक्षान केचित् परसुपायन पाणयः प्रादहन शरणान शरणानि एके प्रजानां ज्वलित उन्मुखैः। मेरे साथ पढ़िए, केचित् खनित्रय विविधुः केचित् सेतु सेतु प्राकार गोपुराण प्राकार आजीव्यान गोपुराण चिज्जिथुः वृक्षान आज केचित् ज्ञान परसुपानयः केचित् प्रादहन शरणानि एके प्रजानाम प्रजानं ज्वलित उन्मुख है। कब रात है, जलितोन्मुखैः केचित कुछ असुर खनित्रय पावों से विविधु खंड खंड कर दिया, सेतु पुल प्राकार रक्षा करने वाली दीवारें परकोटे गोपुरान नगर के द्वारों को आजीव्यान जीविका के साधन चित छिद्दु काट डाला, वृक्षान वृक्षों को केचित कुछ ने परुष पाणयः हाथ में कुल्हाड़ी लेकर प्रादहन जला डाला, शरणानी आवास एके अन्य असुरों ने प्रजानाम नागरिक के ज्वलित जलते हुए उन्मुख लुकाठों से। मेरे साथ पढ़े, कुछ असुरों ने कुछ असुरों ने फावड़े फावड़े लेकर लेकर पुल परकोटे तथा नगरों के द्वारों पुल परकोटे तथा को नगरों के द्वारों तोड़ डाला, को तोड़ डाला। कुछ कुछ ने कुल्हाड़े लेकर ने कुल्हाड़े आम लेकर कटहल के महत्वपूर्ण वृक्षों आम आम कटहल के कटहल के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वृक्षों वृक्षों तथा तथा अन्य भोज्य सामग्री वाले वृक्षों को काट डाला, अन्य अन्य भोज्य भोज्य सामग्री वाले सामग्री वृक्षों वाले को काट वृक्षों डाला। को काट डाला। कुछ असुरों ने हाथ में जलते हुए लुकाठे लेकर कुछ कुछ असुरों ने असुरों हाथ ने में हाथ जलते हुए में लुकाठों लुकाठे लेकर लेकर नागरिकों के रिहायशी मकानों में आग लगा दी, नागरिकों की नागरिकों के रिहायशी रिहायशी मकानों में आग मकानों में लगा दी। आग लगा दी। हरे कृष्णा त्रय माता जी।
हरे कृष्ण, शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद की द्वारा तात्पर्य सामान्यतया भिक्षु को काटना वर्जित है, विशेष रूप से जो भिक्षु मानव समाज के भरण पोषण हेतु स्वादिष्ट फल उत्पन्न करते हैं उन्हें कथमपि नहीं काटना चाहिए। विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार के फल के भिक्षु होते हैं। भारत में आम तथा कटहल की भिक्षु प्रमुख है और अन्य स्थानों में आम कटहल नारियल तथा पेड़ के वृक्षों पाए जाते हैं। ऐसा कोई भी वृक्ष जो मनुष्यों के भरण पोषण हेतु स्वादिष्ट फल उत्पन्न करता है उसे बिल्कुल नहीं काटना चाहिए, ये शास्त्रों का आदेश है। हरे कृष्ण। और उन्होंने उस आदेश का खंडन करके, उस आदेश को न मान करके, हिरण्यकश्यपु का आदेश मान करके सब तहस नहस कर दिया। एवं विप्रकृते लोके दैत्य इंद्र अनुचरे मुहुः दिवं देवाः परित्यज्य भुवि चेरुः अलक्षिताः। मेरे साथ, एवं विप्रकृते लोके एवं एवं विप्रकृते लोके दैत्य इंद्र अनुचरे मुहुः दैत्य इंद्रानन्द दिवं देवाः परित्यज्य भुवि दिवं भुवि चेरुः अलक्षिताः। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार विप्रकृते सताए जाकर लोके, जब सारे लोग दैत्य इंद्र अनुचर दैत्य राज हिरण्यकश्यपु के अनुयायी द्वारा मुहु पुनः पुनः दिवम स्वर्गलोक को देवा देवतागण देवतागण तो स्वर्गलोक को भाग के कहाँ छिपे हुए, परित्यज्य त्याग कर भुवि पृथ्वी लोक पर चेरु घूमने लगे उपद्रव का विस्तार देखने के लिए, अलक्षिता असुरों से छिपकर। मेरे साथ पढ़े, इस प्रकार हिरण्यकश्यपु के अनुयायियों द्वारा इस बारंबार प्रकार हिरण्यकश्यपु अप्राकृतिक द्वारा घटनाओं के रूप में सताए बारंबार घटनाओं के रूप जाने पर में सताए जाने पर सभी लोगों ने बाध्य होकर सभी लोगों ने बाध्य वैदिक संस्कृति की होकर वैदिक संस्कृति की सारी गतिविधियां बंद कर दी, सारी गतिविधियां बंद कर दी। देवता देवता गण भी यज्ञों का फल न पाने के कारण देवता विचलित हो उठे। विचलित होते उन्होंने स्वर्ग लोक के अपने अपने आवास त्याग दिए, उन्होंने स्वर्गलोक के अपने अपने आवास त्याग दिए और असुरों से अलक्षित होकर, और असुरों से अलक्षित होकर अदृश्य होकर विनाश का अवलोकन करने के लिए, विनाश का विनाश अवलोकन का करने के अवलोकन करने लिए के लिए वे पृथ्वी लोक में इधर उधर विचरण करने लगे। वे पृथ्वी लोक में इधर उधर विचरण करने लगे। ये हालत हो गई। तात्पर्य माता जी, हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शिला प्रपात द्वारा शिला प्रपात की जय। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यज्ञ संपन्न करने से मनुष्यों तथा देवताओं को अन्योन्याश्रित सौभाग्य प्राप्त होता है। जब असुरों को उत्पातों से यज्ञ होने बंद हो गए तो देवतागण सहज ही यज्ञ के फलों से वंचित रह गए और उन्हें अपने अपने कर्तव्य करने में बाधा पड़ने लगी। अतः वे पृथ्वी लोक पर यह देखने के लिए कि लोग किस प्रकार विचलित हुए और यह विचार करने के लिए कि क्या करना चाहिए उतर आए। हरे कृष्ण। उतर आए। ये उतर आए वहां स्वर्ग छोड़ करके पृथ्वी पर लोगों के लिए क्या किया जाए। हिरण्यकश्यपु हिरण्यकश्यपु भ्रातुः संप्रेतस्य दुखितः कृत्वा कटोदक आदीनि रात्रिपुत्रान् सांत्वयत्। अपने भाई के पुत्रों को सांत्वना दे रहा है। ये अच्छे कुछ अच्छी बातें भी करता है हिरण्यकश्यपु। सुनते हैं, मेरे साथ पढ़े, हिरण्यकश्यपु भ्रातुः
दुखिता कटोदक आदिनी धात्री पुत्रान सांत्वयत्। हाँ अशांत होगा क्योंकि भर्व बन जाएगा ना, धात्री पुत्रान अशांत। भातृपुत्रान शब्दार्थ हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप ने भ्रातृहु भाई का हिरणाक्ष का संपरे तस्य मृत दुखित अत्यंत दुखी कृत्वा करके कटोदक आदेनी मृत्यु के पश्चात के कृत्य अंत्येष्ट क्रिया भ्रातृ पुत्रान अपने भाई के लड़कों अशांत यत सांत्वना दी। काफी अच्छी अच्छी बात है कि उसने मेरे साथ पढ़े अपने भाई की अंत्येष्ट क्रिया संपन्न कर लेने के बाद, अपने भाई अपने की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न संपन्न हिरण्यकश्यप ने करने के अत्यंत दुखित होकर बाद अत्यंत दुखित अपने होकर भतीजों को सांत्वना प्रदान करने का प्रयास किया। अपने अपने भतीजों को भतीजों को सांत्वना सांत्वना प्रदान प्रदान करने का करने का प्रयास किया। शकुनिम संबरम धृष्टम भूत संतापनम मृकम काल नाभम महानाभम हरिश्मा श्रु अज हरिश्मा श्रम अथ उत्कचम तन्मातरम रुषाभानुम दितिम च जननीम गिरा सुलक्षणया देश कालज्ञ इदम आह जन ईश्वर। मेरे साथ पढ़िए शकुनिम संबरम दृष्टिम। शकुनि ये नाम है उनके भतीजे के, उसके भूत संतापनम मृकम संतापनम कालनाभम महानाभम हरिश्माश्रुम अथ उत्कचम। हरिश्माश्रुम 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 अथ उत्कचम अथ तन्मातरम रुषाभानुम तन्मातरम इतिम च जननीम गिरा सुलक्षणया निशाभानुम देश कालज्ञ शलक्षणाया इदम आह जनेश्वर। इदम्बा जनेश्वर शब्दार्थ है शकुनिम, शकुनि को, संबरम, संबर को, धृष्टिम, धृष्टि को, भूत संतापनम, भूत संतापन को नाम, ब्रकम, ब्रक को, कालनाभम, कालनाभ को, महानाभ, महानाभ को, हरिश्मश्रुम, हरिश्मश्रु को, अथ तथा उत्कचम, उत्कच को, तत् मातरम, उनकी माता, रुषाभानु को, हिरणाक्ष की पत्नी, दितिम, दिति को, दिति माँ है इसकी, बहुत बड़े घराने से है, दिति माँ है, कश्यप मुनि पिता, च तथा जननी अपनी माता, गिरा शब्दों से, सुलक्षणया अत्यंत मधुर, देश कालज्ञ, जो काल तथा परिस्थिति को समझने में दक्ष हो, इदम वह यह आह कहा जन ईश्वर हे राजा। ये हे राजा कौन कह हे रहा है, राजा राजा हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रुद्ध था हिरण्यकशिपु अत्यंत किंतु महान राजनीतिज्ञ होने के कारण, किंतु किंतु महान महान राजनीतिक होने के कारण राजनीतिक होने वह देश तथा काल के अनुसार के कारण वो है देश तथा काल के अनुसार कर्म करना जानता था।
कर्म कर्म करना करना जानता था। चाहता अतएव अपने भतीजों को, अतएव अतएव वो अपने अपने भतीजों भतीजों को को मधुर वाणी से सांत्वना देने लगा। मधुर मधुर वाणी वाणी से से सांत्वना देने सांत्वना लगा। देने लगा। इनके नाम थे, इनके इनके नाम नाम थे शकुनी थे शकुनी शंबर, शकुनी शंबर, शंबर, दृष्टिभूत संतापन, दृष्टिभूत दृष्टिभूत संतापन, संतापन, वृक वृक काल वृक नाम महानाम, काल नाम महानाम, हरिश्मश्रु तथा उत्कच, हरिश्मश्रु हरिभक्त तथा उत्कच। तथा उत्कच, उसने उनकी माता अर्थात उसने उसने उनकी उनकी माता माता अर्थात 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 अपनी अनुज वधू अपनी अपनी अनुज अनुज वधू रुषा भानु एवं रुषा भानु रुषा भानु एवं अपनी माता दिति को भी ढाढ़स बधाया। अपनी माता अपनी दादी माता को दिति को भी भी ढाढ़स ढाढ़स बधाया। बधाया। वह उनसे इस प्रकार बोला, वो वो उनसे इस प्रकार उनसे से इस इस प्रकार प्रकार बोला। बोला। हाँ, अब क्या बोला ये देखो। हिरण्यकश्यप उवाच, अम्ब अम्ब हे बधू, अम्ब अम्ब हे बधू पुत्रा भीरम मा अर्हत शोचितम रिपो अभिमुखे श्लाघ्य शूराणाम बद ईप्सितः। मेरे साथ पढ़िए। श्री हिरण्यकश्यप उवाच, श्री अम्ब हिरण्यकशिपुर वाचा, अम्ब हे बधू पुत्रा अम्ब 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 हे हे बधू पुत्रा पुत्रा, वीरम वीरम्मा अर्हत शोचितम्। वीरम रिपोह महारत अभिमुखे श्लाघ्यः, रिपोर तो शूराणां बद ईप्सितः। शब्दार्थ शूराणाम है, श्री हिरण्यकश्यप उपाचा हिरण्यकश्यप ने कहा, अम्ब अम्ब मेरी माता हे ओ बधू मेरी बधू पुत्रा मेरे भाई के पुत्रो भीरम भीर माँ मत अर्हत तुम्हें चाहिए सोच तुम शोक करना। बहुत अच्छी बात है। अरे वो शत्रु के अभिमुखे समक्ष श्लाघ्य प्रशंसनीय शूराणाम वास्तविक महान पुरुषों का बध बध ईप्सितः वांछित। मेरे साथ पढ़े। हिरण्यकश्यप ने कहा, हिरण्यकशिपु ने माता हे कहा, माता, हे हे माता, माता, ये द्विती के लिए है, हे बधू हे तथा बधू तथा हे भतीजो, हे तुम लोगों भतीजो, तुम को महान वीर की मृत्यु के लिए लोगों तुम को लोगों महान को वीर महान वीर की की मृत्यु मृत्यु के लिए शोक के लिए शोक नहीं करना चाहिए। नहीं शोक करना करना चाहिए चाहिए क्योंकि अपने शत्रु के समक्ष क्योंकि क्योंकि अपने अपने शत्रु के शत्रु के समक्ष समक्ष वीर की मृत्यु वीर की वीर की मृत्यु मृत्यु अत्यंत प्रशंसनीय तथा वांछनीय होती है। अत्यंत अत्यंत प्रशंसनीय तथा प्रशंसनीय तथा होती है। वांछनीय होती है। हाँ, ये बात बिल्कुल उसने सही अच्छी की। भूतानाम इह संवास प्रपायाम इव सुप्रते दैवेन एकत्र नीतानाम उन्नीतानाम सकर्म भी। मेरे साथ। भूतानाम इह संवासः, भूतानाम इह संवासः प्रपायाम इव सुप्रते दैवेन प्रपायाम एकत्र नीतानाम एकत्र नीतानाम उन्नीतानाम स्वकर्म भी। उन्नीतानाम सकर्म शब्दार्थ भी है, भूतानाम समस्त जीवों का यह इस संसार में संवास साथ साथ रहना। वाह, बहुत बढ़िया। प्रपायाम ठंडा जल पीने के स्थान प्याऊ एवं सदृश
सुब्रते हे भद्रे देवेन भाग्य द्वारा एकत्र एक स्थान पर नीता नाम लाए गए। उन नीता नाम दूर दूर ले जाने वालों का स्वकर्म भी अपने अपने कर्मों से। मेरे साथ पढ़िए, हे माता, हे माता, किसी भोजनालय या प्याऊ में, किसी भोजनालय या प्याऊ में अनेक राहगीर पास पार आते हैं, अनेक राहगीर पास पास आते हैं, किंतु जल पीने के बाद, किंतु जल पीने के बाद अपने अपने गंतव्यों को चले जाते हैं, अपने गंतव्यों को चले जाते हैं। इसी प्रकार जीव भी, इसी प्रकार जीव भी किसी परिवार में आकर मिलते हैं, किसी परिवार में आकर मिलते हैं, किंतु बाद में अपने अपने कर्मों के अनुसार, किंतु बाद में अपने अपने कर्मों के अनुसार वे अपने अपने गंतव्यों को चले जाते हैं, वे अपने अपने गंतव्यों को चले जाते हैं। बहुत अच्छी बात, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता सूर्य माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता हम इति मन्यते। मोहग्रस्त जीवात्मा भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के प्रभावों में आकर अपने को उन कर्मों का कर्ता सोचने लगता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। भगवद गीता 3.27। सारे जीव प्रकृति के आदेशों के अनुसार ही कर्म करते हैं क्योंकि भौतिक जगत में हम पूरी तरह उच्चतर नियंत्रण में रहते हैं। सारे जीव इस जगत में इसलिए आए क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के समान भोग करना चाहते हैं और इस तरह वे प्रकृति द्वारा विभिन्न मात्राओं में बद्ध होने के लिए भेजे गए हैं। भौतिक जगत में तथाकथित परिवार एक घर में ऐसे अनेक व्यक्तियों का सम्मिलन है जिन्हें अपना बंदी जीवन बिताना होता है। जिस तरह जेल में बंद अपराधी अपनी अवधि पूरी होने पर छोड़े जाने पर ही बिखर जाते हैं, उसी प्रकार हम परिवार के सदस्य जो अस्थाई रूप से एकत्रित हुए हैं अपने अपने गंतव्यों की यात्रा करते रहेंगे। एक अन्य दृष्टांत दिया जाता है कि पारिवारिक सदस्य उन तिनकों के समान हैं जो नदी की लहरों में साथ साथ बहते रहते हैं। ये तिनके कभी कभी भंवर में पास पास आ जाते हैं और पुनः उन्हीं लहरों द्वारा विलग कर दिए जाते हैं तथा अकेले जल में तैरने लगते हैं। हिरण्यकश्यपु यद्यपि दैत्य था किंतु उसे भौतिक ज्ञान और समझ थी। फलस्वरूप उसने अपने पारिवारिक जनों को, अपनी अनुज वधु, अपनी माता तथा भतीजों को जो सलाह दी वह बहुत अच्छी थी। यद्यपि दैत्यों को ज्ञान में अत्यंत बड़ा चढ़ा माना जाता है लेकिन वे भगवान की सेवा में अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग न करने के कारण ही दैत्य या असुर कहलाते हैं। किंतु देवतागण बड़ी ही बुद्धिमानी से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न रखने के लिए कर्म करते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत 1.2.13 में इस प्रकार हुई है, अतः पुंभिर द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्ध हरि तोषणम्। अतः द्विज श्रेष्ठ, यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य वर्ण तथा आश्रम के विभाग के अनुसार अपने नियत कर्म यानी धर्म करता हुआ जिस सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकता है वह श्री भगवान हरि को प्रसन्न करना। देवता या देव तुल्य बनने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करे चाहे उसकी वृत्ति कुछ भी हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा सभी को। ये अच्छी बात है करके गया, नित्य आत्मा अव्यय शुद्ध सर्वगः सर्वविद परः धत्ते आशा, धत्ते असौ हो जाएगा आशा, धत्ते असौ आत्मनो लिंगम माया विसृजन गुणान। मेरे साथ पढ़िए, नित्य आत्मा अव्यय शुद्ध सर्वगः सर्वविद परः
असौ आत्मनो लिंगम लिंगम माया विसृजन गुणान। माया गुणान शब्दार्थ है नित्य शाश्वत आत्मा, आत्मा अव्यय न चूकने वाला शुद्ध भौतिक कल्मा से रहित सर्वगह भौतिक या आध्यात्मिक जगतों में कहीं भी जाने के योग्य सर्वविद ज्ञान से पूर्ण पर भौतिक दशाओं से परे तत्व स्वीकार करता है असव वह आत्मा है जीव आत्मना अपना लिंगम शरीर माया भौतिक शक्ति के द्वारा विसर्जन उत्पन्न करते हुए गुणान विविध भौतिक गुणों को मेरे साथ पढ़े। आत्मा या जीव की मृत्यु नहीं होती आत्मा या जीव जीव को की मृत्यु मृत्यु नहीं नहीं होती होती क्योंकि क्योंकि वह नित्य तथा अव्यय है। हाँ, वो नित्य तथा ये हिरण्यकश्यप अव्यय है। बोल रहा है। देखिए भौतिक कर्म से मुक्त होने के कारण भौतिक कर्म से से मुक्त मुक्त होने होने के के कारण कारण वो भौतिक या आध्यात्मिक जगतों में वो वो भौतिक भौतिक या या आध्यात्मिक आध्यात्मिक जगतों जगतों में में कहीं कहीं भी जा सकता है कहीं कहीं भी भी जा जा सकता है। सकता है। वह वो भौतिक शरीर से पूरी तरह अवगत होते हुए भी भौतिक शरीर से वो पूरी तरह भौतिक अवगत होते हुए शरीर भी उससे सर्वथा भिन्न है। उससे उससे सर्वथा सर्वथा भिन्न भिन्न है है। किंतु अपनी किंचित स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण किंतु किंतु अपनी अपनी किंचित किंचित स्वतंत्रता के स्वतंत्रता दुरुपयोग के के दुरुपयोग कारण के कारण उसे भौतिक शक्ति द्वारा उसे उसे भौतिक शक्ति भौतिक द्वारा शक्ति उत्पन्न द्वारा उत्पन्न सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर धारण करने होते हैं। शरीर धारण धारण करने करने होते होते हैं हैं और इस तरह उसे तथा कथित और इस और इस तरह तरह उसे उसे तथा भौतिक कथित सुख तथा दुख सहने होते हैं। भौतिक सुख तथा दुख अतः होते हैं। किसी भी मनुष्य को अपने किसी किसी मनुष्य मनुष्य को को शरीर में से आत्मा के निकलने पर शरीर में से शोक आत्मा के निकालने नहीं पर शोक करना चाहिए। शोक मुक्त नहीं करना करना चाहिए। चाहिए। इतनी बड़ी बुद्धिमता बात हिरण्यकश्यप कर रहा है। तात्पर्य माता जी हरे कृष्णा सुषमा पत्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य हिरण्यकश्यप ने अत्यंत बुद्धिमानी से आत्मा की स्थिति का वर्णन किया है। आत्मा कभी भी शरीर नहीं होता अपितु वह सदैव शरीर से पूर्णतया भिन्न होता है। नित्य तथा अव्यय होने के कारण आत्मा की मृत्यु नहीं होती किंतु जब वही शुद्ध आत्मा मुक्त भाव से भौतिक जगत का भोग करना चाहता है तो उसे प्रकृति के प्रतिबंधों के अंतर्गत रख दिया जाता है जिसके कारण उसे किसी न किसी प्रकार शरीर धारण करना पड़ता है और उसके सुखों एवं दुखों को भोगना होता है। इसका वर्णन कृष्ण द्वारा भगवत गीता 13.22 में हुआ है। कारणम गुण संगोस्य सत्सद योजन मसु जीव विभिन्न परिवारों में या योनियों में उत्पन्न होता है क्योंकि वह प्रकृति के गुणों द्वारा दूषित रहता है। प्रकृति द्वारा बद होने पर जीव को एक प्रकार का शरीर धारण करना होता है जो परमेश्वर के आदेशानुसार प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। और है माता जी और अभी थोड़ा और है सा और हाँ ठीक है माता। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्येन सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। हे अर्जुन परमेश्वर प्रत्येक के हृदय में स्थित है और ये उन सारे जीवों के विचरण का निर्देश करते रहते हैं जो भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र पर आरूढ़ होते हैं। भगवत गीता 18.61 में ये शरीर एक यंत्र के तुल्य है और जीव को
उसके कर्म के अनुसार प्रकृति के वशीभूत होकर इधर उधर विचरण करने के लिए विशेष प्रकार का यंत्र प्रदान किया जाता है। ये तब तक चलता रहता है जब तक वह परमेश्वर की शरण में नहीं जाता। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, बिना शरण में गए बद्ध जीव प्रकृति की व्यवस्था से एक जीवन से दूसरे जीवन में ले जाया जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद जब तक भगवान की माता जी, शरण धन्यवाद। प्रदान, जब तक भक्ति नहीं करो तो ये जीवन चलता रहता है। अब आए एक शरीर, मरे दूसरा शरीर, फिर मरे तीसरा शरीर, फिर मरे चौथा शरीर, ऐसे करोड़ों अरबों शरीर में हम घूमते रहते हैं। और फिर भगवान चाहते हैं, दया करते हैं, हमको फिर मनुष्य शरीर दे देते हैं। मनुष्य शरीर एक तो 84 लाख में घूमने के बाद मिलता है, दूसरा आपके कर्म ऐसे हैं, आपने भक्ति की और भक्ति करके पूरा नहीं कर पाए, पूरा जो अनुष्ठान आपको वैकुंठ जाने के लिए करना था छूट गया, योग भ्रष्ट हो गया, तो फिर आपको मनुष्य योनि अवश्य मिलती है। यथा अम्बसा प्रचलता तर्वो अपि चला इव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते चलति इव भूव। मेरे साथ यथा अम्बसा प्रचलता तर्वो अपि चला इव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन चक्षुषा ब्रह्म दृश्यते चलते इव भूः, दृश्यते चलते इव भूः। शब्दार्थ है यथा जिस तरह अंबसा जल द्वारा प्रचलता गतिमान, तस तरव वृक्ष नदी के तट के अभी भी चला गतिमान इव मानो चक्षुषा आंख से भ्राम्य माने गतिमान दृश्यते देखा जाता है, चलती चलती हुई गतिमान इव मानो हो धरती। मेरे साथ पढ़े, जल जल की गति के कारण, जल की गति के कारण नदी के तटवर्ती वृक्ष, नदी के तटवर्ती वृक्ष जल में प्रतिबिंबित होकर, जल में प्रतिबिंबित होकर चलते प्रतीत होते हैं, चलते प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार जब आंखें इसी प्रकार जब किसी मानसिक असंतुलन के कारण मानसिक असंतुलन के कारण चलती रहती हैं, चलती रहती है, तो धरती भी घूमती प्रतीत होती है, घूमती प्रतीत होती है। हाँ, ऐसा लगता है आपको, आप अगर बोट में जा रहे हो मान लो, और किनारे की तरफ देखें तो आपको दिखेगा पेड़ पीछे की तरफ चल रहे हैं, आप बस में जाते हैं, कार में जाते हैं, आप आगे जाते हैं, आपके दाएं बाएं की जगह पीछे चलते भी दिखाई देती है। ये रिलेटिव मोशन है, सापेक्ष तात्पर्य। माता जी, हरे कृष्णा। अनिता श्रीवास्तव माता जी, अनीता माता जी, हरे कृष्ण कामिनी अग्रवाल माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य शील प्रभु पाद जी के द्वारा शील प्रभु पाद जी की जय। कभी कभी मानसिक असंतुलन के कारण धरती घूमती प्रतीत होती है। उदाहरणार्थ एक शराबी या हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति कभी कभी अनुभव करता है कि धरती गतिमान है। इसी प्रकार प्रवाहित नदी में वृक्षों के प्रतिबिंब भी चलते हुए प्रतीत होते हैं। ये सब माया के कार्य हैं। वस्तुतः जीव नहीं चलता, स्थाणु चलो अयम। जीव का न तो जन्म होता है न मृत्यु होती है, किंतु नश्वर सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों के कारण जीव एक स्थान से दूसरे को गति करता या सदा के लिए मृत प्रतीत होता है।
जैसा कि महान बंगाली वैष्णव कवि जगदानंद पंडित ने कहा है, पिशाची पाइले ये न मतिच्छन्न है, माया ग्रस्त जीवेर है से भाव उदय। प्रेम विवर्त के इस कथनानुसार जब जीव प्रकृति द्वारा बद्ध होता है तो वो ऐसे व्यक्ति के समान होता है जिसे भूत प्रेत सताते हैं। अतएव मनुष्य को आत्मा के स्थिर पद को समझना चाहिए और जानना चाहिए कि वह किस प्रकार प्रकृति के लहरों के द्वारा शोक तथा लालसा के अंतर्गत विभिन्न शरीरों तथा विभिन्न पदों तक ले जाया जाता है। मनुष्य को जीवन की सफलता तब मिलती है जब वो अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझता है और प्रकृति के द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों से विचलित नहीं होता है। प्रकृते हे क्रियमाणा निगुणे हे कर्माणि सर्वशः। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण अता जी, धन्यवाद। तब तक विचलित अपने को पाता है मनुष्य जब तक अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं आ जाता। हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है? हम कृष्ण दास हैं, भगवान के दास हैं। ये जब समझ में आ जाता है तो स्थिति फिर सही हो जाती है। फिर आपको नहीं लगेगा कि पेड़ पीछे जा रहे हैं ये, क्योंकि आपको ज्ञान हो जाता है तब कि ये मैं जो पेड़ों को तो दिखा रखा है, बट जो हम देखते हैं, पैदा होते हैं मनुष्य, चले जाते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर चले जाते हैं, ये समझ आने लगता है। एवं गुणे भ्राम्य माणे मनसी अभिकलह पुमान याति तत्साम्यताम भद्रे हि अलिंगो लिंगवान इवा। मेरे साथ पढ़िए। एवं गुणे भ्राम्य माणे मनसी अविकलह पुमान याति तत् साम्यतां भद्रे हि अलिंगो लिंग इवान लिंगवान इवा। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार गुण है प्रकृति के गुणों द्वारा राम्य माने विचलित होने पर मनसी मन में अभिकलह परिवर्तन के बिना उमान जीव याति पास जाता है तत् साम्यताम मन की निक्षोभ जैसी दशा भद्रे हे भद्र माता दिति को कह रहा है। हे निश्चय ही अलिंग सूक्ष्म तथा तुल शरीर से रहित लिंगवान भौतिक शरीर से युक्त एवं मानव। मेरे साथ पढ़े। इसी तरह से हे मेरी भद्र माता जब प्रकृति के गुणों की गति द्वारा यह मन विचलित होता है या भटकता है तब जीव चाहे वह कितना ही सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों की विभिन्न अवस्थाओं से मुक्त क्यों न हो यही सोचता है कि वह एक स्थिति से दूसरी में परिवर्तित हो गया है तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। अशोक प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। शीला प्रभुपाद की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यस्य आत्मबुद्धि कुणते इति धातु के त्वदी कदाचादिश भयमय धजी यतीर्थ बुद्धि तल्ले न करहिचि जन्येष विश्वे जस एव गोखरा।
जो मनुष्य तीन तत्वों से बने शरीर को आत्मा के रूप में पहचानता है, जो अपने शरीर से उपजातों को अपना सगा मानता है, जो मनुष्य जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थान में दिव्य ज्ञानी पुरुषों से भेंट करने नहीं अपितु तो स्नान करने जाता है, उसे गाय का गधा ही समझना चाहिए, गाय या गधा ही समझना चाहिए। यद्यपि हिरण्यकश्यप महान असुर था, किंतु वो आज की जनता के समान मूर्ख न था। उसे आत्मा तथा सूक्ष्म एवं स्थूल शरीरों का स्पष्ट ज्ञान था, किंतु आज हम इतने पतित हो चुके हैं कि बड़े बड़े विज्ञानी दार्शनिक तथा नेता समेत प्रत्येक व्यक्ति देहात बुद्ध के अधीन है, जिसकी शास्त्रों द्वारा निंदा हुई है। सही वो गोखा रहा, ऐसे लोग गायों तथा गधों के तुल्य हैं। हिरण्यकश्यप ने अपने परिवार वालों को उपदेश दिया कि यद्यपि उसके भाई हिरण्याक्ष का स्थूल शरीर मृत है, जिसके कारण शोक संतप्त है, किंतु उन सबों को हिरण्याक्ष की महान आत्मा के लिए शोक संतप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे अगली गति प्राप्त हो चुकी है। आत्मा सदैव अपरिवर्तित रहता है, अविकलह पुमान, हम आत्माएं हैं, किंतु जब हम मानसिक कार्यकलापों मनोधर्म द्वारा बहा दिए जाते हैं तो हमें तथाकथित भौतिक जीवन भोगना पड़ता है। ऐसा प्रायः अभक्तों के साथ होता रहता है। हराव भक्तस्य कुतो कुतो कु हरा हराव भक्तस्य कुतो महद गुणा, भले ही अभक्तों में उच्च भौतिक गुण हो किंतु मूर्ख होने के कारण उनमें एक भी उत्तम गुण नहीं रहता। भौतिक जगत में बद्ध जीव की सारी उपाधियां सबके अलंकरण के तुल्य है। बद्ध जीव को आत्मा तथा इस संसार के प्रभावों से परे उसके उच्च अस्तित्व का कोई ज्ञान नहीं रहता। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। यहाँ पर गधा और गाय की तरह माना लिखा है, ये प्रश्न आपके दिमाग में उठा, गधा तो ठीक है, गाय क्यों बोल दिया, यहाँ जानवर की तरह से मतलब है मेरी समझ से। एस आत्म विपर्यासो हि अलिंगे लिंग भावना, एस प्रिय अप्रिय योगो वियोगः कर्म संस्कृतिः संभवः च विनाशः च शोकः च विविधः स्मृतः अविवेकः च चिन्ता च विवेक अस्मृत अस्मृति एव च अस्मृतिः एव च। मेरे साथ पढ़े, एष आत्म विपर्यासो विपर्यासो हि अलिंगे लिंग भावना, एष प्रिय अप्रिय योगो वियोगः कर्म संस्कृतिः संभवः च विनाशः च शोकः च विविधः स्मृतः अविवेकः च चिन्ता च विवेक अस्मृति ही एव च। शब्दार्थ है ऐसा यह आत्म विसर्यास विपर्यास जीवन का मोह ही निसंदेह अलिंगे भौतिक शरीर विहीन में लिंग भावना भौतिक शरीर को ही आत्मा मानना, ऐसा यह प्रिय अत्यंत प्रियों के साथ अप्रिय तथा अप्रियों के साथ शत्रुओं परिवार के बाहर वालों के साथ योग संबंध वियोग वियोग कर्म कर्म फल संस्कृति जीवन की भौतिक दशा संभव जन्म स्वीकार करते हुए च तथा विनाश मृत्यु स्वीकार करते हुए च तथा शोक शोक च तथा विविध अनेक प्रकार के स्मृत शास्त्र वर्णित अविवेक विवेक शक्ति का अभाव च तथा चिंता चिंता च भी विवेक समुचित विवेक शक्ति का स्मृति ही विस्मरण होना एवं निसंदेह च भी।
मेरे साथ पढ़िए, मोह अवस्था में जीव अपने शरीर तथा मन को आत्मा स्वीकार करके कुछ व्यक्तियों को अपना सगा संबंधी और अन्य को बाहरी लोग मानने लगता है बात सही है, सही है। ये हिरण्यकश्यप इतनी बड़ी बात कर रहा है। इस भ्रांति के कारण उसे कष्ट भोगना पड़ता है, उसे कष्ट भोगना पड़ता है। निसंदेह ऐसे मनोभावों का संचय ही सांसारिक दुख तथा तथा कथित सुख का कारण बनता है। इस प्रकार स्थित होकर बद्ध जीव को विभिन्न योनियों में जन्म लेना होता है। और विभिन्न चेतनाओं में कर्म करना पड़ता है जिससे नवीन शरीरों की उत्पत्ति होती है। यह सतत भौतिक जीवन संसार कहलाता है। जन्म मृत्यु शोक मूर्खता तथा चिंता ये सब ऐसे भौतिक विचारों के कारण होते हैं। इस तरह हम कभी उचित ज्ञान प्राप्त करते हैं तो कभी जीवन की भ्रांत धारणाओं के पुनः शिकार बनते हैं। ये काफी अच्छा ज्ञान दिया उसने अपने भतीजों को, अपने अनुज वधु को, अपनी माँ को, दीदी को। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञान जन शलाकया चक्षुरुन्मितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विषय सर्वशून्यवादी पाचार्य स्थानि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे।